हेलो बच्चों, मैं सभी का कंसेप्ट एकेडमी रोहतक में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, उन सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करने का सोच रहे थे या अभी भी सोच रहे हैं, पहली बात वो अपना तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर लें। वो क्यों? क्योंकि अब जो नया कल ही एक न्यूज आई है चंडीगढ़ से कि जो आपने जो पोस्ट निकाली थी, जो पोस्ट अनाउंस हुई थी, उन सभी के दोबारा से नॉर्म्स चेंज होंगे, दोबारा से उसकी क्वालिफिकेशन चेंज होंगी। हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हट जाए उसमें से, हो सकता है उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया था 50% वो भी कम हो जाए या वो हटा दिया जाए, वो तो अभी रिवाइज होगा। हो सकता है पोस्ट भी बढ़ के आए, हो सकता है पोस्ट भी बढ़ के आ सकती हैं। और दूसरी सब्जेक्ट में, चाहे आपका बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे आपका जेनेटिक्स हो, उसमें भी पोस्ट आ सकती हैं। तो जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इसके लिए जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी अपना रखें, लेकिन आपको अब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। पहले ये कह रहे थे कि 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, बट अब ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग फरवरी मार्च से पहले इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपको 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा और मिल चुके हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अपने आप को सब्जेक्ट की तैयारी करने में आपको टाइम नहीं, मतलब जो नहीं मिल रहा था अब वो मिलेगा अच्छे से, और आप अच्छे से तैयारी इसमें करके अपने सिलेक्शन को और भी मजबूत कर सकते हो, है ना? इसमें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, आप तो सिलेक्शन को मजबूत कर सकते हो। कंसेप्ट एकेडमी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे आपका बायोटेक हो, उसके लिए बैच 5 जनवरी से स्टार्ट कर रखा है। अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है, और जो लास्ट का हम करवा चुके हैं वो दोबारा से हम रिवाइज करवा देंगे, तो सभी बच्चे, अब चाहे वो बायोटेक का हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री का हो, चाहे जेनेटिक्स का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो अपना तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है, चांसेस हैं कि बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स की पोस्ट भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, आ सकती हैं। बाकी जूलॉजी, बॉटनी और बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी, इनकी तो पोस्ट पहले से अनाउंस हो चुकी हैं। अब क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्राइटेरिया नहीं रहेगा, चेंजेज होंगे या नहीं होंगे, वो कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़िए, और कोई भी अगर इससे रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो हमारे पास 9813873567 पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।